एक घर वाला 400 रुपये दे रहा है, तो आप कचरे को प्रॉपर कचरा कुंडी में जाके फेंको, ना कि आप यहाँ आके फेंक के चले जाओ। यानी फ़ायदा क्या हुआ? जो थैलियाँ नीचे जा रही हैं, ठीक है वो मिट्टी वाला आएगा, मिट्टी उठा के चले जाएगा, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप डंप कर दो यहाँ। तो ये जो कचरे वाले जो कचरा फेंकते हैं ना, यकीन माने मैं तो कहता हूँ इस पर कानून साजी होनी चाहिए। कराची को अगर साफ़ करना है ना, या किसी भी शहर को साफ रखना है, तो आप दुबई वाला निज़ाम लेके आ जाओ भाई, कि इनके ऊपर लगाओ कचरे पे पेनल्टी। इनके बिजली के बिल और गैस के बिल से ज़्यादा बिल ना बड़ा इनको ला के दो कचरे का, जो कचरा फेंकते हुए नज़र आ जाए उसकी तस्वीर करो, उसको सोशल मीडिया पे हम करो, और इस बंदे की इतनी जगहसाई कर दे बंदा कि वो कचरा आइंदा आइंदा फेंके ना, वो सोशल मीडिया पे आके माफ़ी मांगे कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा कचरा नहीं फेंकूँगा। या वो कचरा देख रहे हैं दुकान वाले तो फेंकते फेंकते हैं, मगर जो ये फ्लैट वाले वो नहीं फेंकते। अलबत्ते जो फ्लैट वालों के जमींदार हैं, जो 350 रुपये 400 रुपये महीना ले रहे हैं, वो धड़ल्ले से फेंकते हैं। अगर उनको बोला जाए कि यार आप ना करो ऐसा, तो बोलते हैं कि यार हमारे पास कोई और दूसरा ज़रा ही नहीं है। तो भाई अगर 400 रुपये आप हमसे ले रहे हो, तो आप जो हुकूमत के कचरा उठाने वाले उनसे रब्ता करो, 200 उनको दो, 200 तुम लो, मगर बस खा लेना है पैसा, मगर कचरा उठा के प्रॉपर जगह पर डंप नहीं करना। और आप ये देख रहे हैं कचरा पूरा ही कचरा ये फ्लैट वालों का ही है, मगर फ्लैट वालों ने नहीं फेंका, फ्लैट वालों को तो पता भी नहीं कि कौन फेंक रहा है। ये जो फेंकने वाले हैं ये यहाँ के जमादार हैं, जो कि सबका कचरा इकट्ठा करते हैं और यहाँ आके फेंक देते हैं। और हमें अब अंदाज़ा हो रहा है कि जो रोड पे कचरा पड़ा रहता था, तो ये जमादार ही कहाँ काम होता था, कि जमादार क्या करते थे कि कचरा लिया पूरे फ्लैटों से और रोड पर आके डंप कर दिया। अब कोई देखने वाला नहीं है। तो मेरा तो मानना ये है कि इन कचरे जो भी फेंक रहे हैं उन सब की जो है फेटी लगाई जाए, पुलिस वालों को इनका पर्चा इनके ऊपर काटें, पर्चा काटने के बाद इनकी अच्छे से जो है वो धुलाई होनी चाहिए, और जैसे सर्फ एक्सेल से धुलता है ना कपड़ा मशीन में जाके, इस तरह इनकी भी मशीन में जाके धुलाई होनी चाहिए, ताकि अगली बार कचरा ना फेंके। और जब ये निशाने इबरत बने, तो इनको देख के और किसी की हिम्मत ना हो कचरा फेंकने की। तो ये मामला है कचरे के हवाले से जो कि आप देख रहे हैं। और जो कराची को कचराची जो बनाया है, ये इन्हीं जमादारों ने बनाया है, इन्हीं कचरा कुंडी वालों ने बनाया है। खासकर वो अफगानी जो कि कचरा उठाने आते हैं, वो कचरा उठाने नहीं आते, वो कचरा बेचने आते हैं। वो करते क्या है कि घरों पे आते हैं, और आपने देखा होगा कि घसा गाड़ी पे दो थैले होते हैं बड़े बड़े, एक में जाता है प्लास्टिक, एक में जाता है बेचने वाला सामान, और एक डब्बे की तरफ जाता है ज़्यादातर फेंकने वाला सामान। तो आप देख रहे हैं पॉटरी भी यहाँ घूम रहा है, और करीमाबाद के इस ब्रिज के नीचे पॉटरियों ने जो अपना जमघटा बनाया हुआ होता है। अक्सर यहाँ बाइकों की बैटरियाँ चोरी होती हैं, गाड़ियों की बैटरियाँ चोरी होती हैं, कोई देखने वाला नहीं होता। तो मैं बात कर रहा था कचरे की, तो कचरा जो फेंक रहे हैं लोग, इनकी तो जो है ना इनके ऊपर इनको निशानी इबरत बनाना चाहिए, इन लोगों को जो है इनके तो तड़ी पार कर देना चाहिए, इन लोगों को इनको शहर बदल कर देना चाहिए, उनको मुल्क बदल कर देना चाहिए, इनको तो काला पानी में जाके फेंकना चाहिए जो कचरा फेंकते हैं। कि यार कोई तरीका है कि यार आप हमसे 400 रुपये ले रहे हो और आप नीचे आके कचरा डंप कर रहे हो, और जब आपको हम बोले कि कचरा मत फेंको वहाँ यार, आप हमसे पैसे ले रहे हो, तो कहते हैं हमारे पास कोई दूसरा ज़रा नहीं है। तो भाई फिर आप ठेका क्यों लिया हुआ आपने? तो हमारे यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम हुक्मरानों को चोर कहते हैं, हम चोर कहते हैं बड़े बड़े सियासतदानों को। तो भाई जब चोरी और जो डंडियाँ अगर आप मारोगे, तो फिर हम बड़ों को क्यों बोलें? जब निचले तबके के लोग आप देंगे ना अपना आप अगर वो करते हैं इनकी इनको सज़ा दे देंगे, तो ऊपर तक खुद ही पर मामला पहुंच जाएगा। तो मेरी तो गुजारिश है हुकूमत वक्त से जो कचरा फेंकने वाले हैं उनकी तस्वीरें खींच के इनको सोशल मीडिया पे आम करें, और ये बता के करेंगे ये वो लोग हैं जो कचरा फेंकते हैं। और यहाँ तो बड़े बड़े कैमरे लगाने चाहिए कराची में, और कैमरे में जो कचरा उठाने वाला है या फेंकने वाला है ना, जो फेंक रहा कचरा, और वहाँ डब्बा रखा हुआ है कचरा फेंकने वाला, उसको भी ठीक से प्रॉपर कचरा नहीं फेंक रहा, और वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादातर जो है वो कचरे को जो है वो प्रॉपर डंप नहीं कर रहा, और वो कचरे के डब्बे के अंदर फेंक रहा है, नहीं है प्रॉपर। तो उसके लिए जो है वो लाजमी उसकी तस्वीर बननी चाहिए, उसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे आम होनी चाहिए, और उसको निशाने इबरत बनाना चाहिए। क्योंकि अगर निशाने इबरत बनेंगे
तो कचरा जो फेंक रहा है।